आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सालों से यहाँ की आवाम परेशान है। ये सही बात है, रमजानपुरा ये नया बस्ती बनने वाला इलाका है, कच्चा इलाका है। पिछले टाइम भी कुछ अच्छे काम यहाँ पर हुए, आपने देखा क्या, कुछ हमारे माँ बहनों ने उसका स्वागत भी किया है। लेकिन कुसुम्बा रोड से लेकर अवाड़ी नाले तक ये बहुत बड़ा इलाका होने की वजह से थोड़ा डेवलपमेंट जितना रफ्तार से होना चाहिए नहीं हो रहा, ये सही बात है। मैं समझता हूँ आज हमने दो बड़े कामों का यहाँ पे शुभारंभ किया है और आने वाले दिनों में जो भी लोकल लोगों ने काम बताए वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं महिलाओं की इस परेशानी और इस तकलीफ। जोर से बोलो। क्षेत्र के MLA अपने क्षेत्र के आमदार दादाजी भूसे के पास अपनी परेशानियां सुनाने के लिए यहां पर एक बड़ी अक्सरियत और बड़ी भीड़ के साथ मौजूद है। कॉर्पोरेशन के सभी जिम्मेदार अधिकारी कुछ काम आज अपन शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ काम का अपने को एस्टिमेट अंदाज पत्थर करने का है। तो कौन से काम को प्राधान्य देना चाहिए इसी वजह करने में बहुत है। अभी यहाँ पर जो बताया गया गटारबंदी चाहिए और वो भी जहाँ पे उतना स्लो होगा पानी बहना चाहिए। किसी ने शौचालय के बारे में बताया, किसी ने ओपन स्पेस पे गंदगी हो गई ये बात बताई। बहुत सारी जगह पे रास्ता करने की जरूरत है और जो काम होने वाले हैं वो काम अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर आपने चर्चा की है। मुझे इस बात का एहसास है रमजानपुरा एक नई आबादी करने वाला एक एरिया है। जाने गांव से कुसुम्बा रोड से लेकर मैं समझता हूँ देवी के मंदिर तक और आगे बढ़ गया और ये सब कच्चा इलाका है, नया बढ़ने वाला इलाका है। तो यहाँ पे ज़्यादा तकलीफें इस बात का एहसास हम सबको है। जैसे अभी रामबाबू ने बताया यहाँ कुछ सियासत की बात करने के लिए हम सब आए थे। कॉर्पोरेटर साहब कौन से पक्ष से है, कौन सी पार्टी से है, ये कुछ यहाँ का विषय नहीं। अभी कॉर्पोरेटर साहब ने भी अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, मैं तो आपको बोला कि इधर बैठो है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ सियासत करने के लिए हम आए नहीं। जब चुनाव आएंगे लोगों को जो लगता है लोग अपना निर्णय फैसला करते वो अलग बात है। अभी एक दो बात यहाँ पे अच्छी सामने आई है, हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने जो बताया या किसी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी ने बताया क्या दादा वो तुम्हारे फंड से बड़े काम करो छोटे काम हम कर रहे, कॉर्पोरेशन या वो लेवल से हम कर रहे हैं, बराबर है ये निर्णय करने का। हाँ कर लगे ये निर्णय करने का क्या, ठीक है। तो जो भी बड़ी गटर होगी या जो बड़ा रोड होगा वो जिम्मेदारी
छोटे छोटे काम की भी जिम्मेदारी देने ऊपर भी है। मैं नहीं डालता, कॉर्पोरेशन की भी जिम्मेदारी होगी तो वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं आपको हर ये बात बताने में मुझे आनंद होता है, कॉर्पोरेशन से मैंने 5 करोड़ रुपए का फंड के काम मैंने सुझाए थे पूरे मालेगांव के लिए, तो उस 5 करोड़ में से 50 लाख रुपया अपने रमजानपुरा को दिया था, और उसका जो भी कागज पत्र पूरा होने के बाद वो 50 लाख रुपये में से 9 किरण का रास्ता मंजूर हो गया है। उसका काम ये थोड़ा बारिश कम ज़्यादा हुआ तो वो काम चालू हो जाएगा। मैं समझता हूँ वो एंट्री है रमजानपुरे की, तो वो बड़ा ही काम है। अभी ये 35 करोड़ का 35 लाख का जो भी काम है ये यहाँ से जो भी जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, काम अगर क्वालिटी में नहीं हुआ तो उसका पेमेंट ना हो इसका भी प्रबंध मैं कर दूँगा। नगर सेवक साहब से लेकर मैं आवाम को भी विनंती आह्वान करता हूँ, अगर होने वाला काम अच्छा नहीं हो रहा तो आप तुरंत जगह पे जाके काम बंद करा दो, वो किसी का भी नाम बताएगा, कॉर्पोरेटर साहब का नाम बताएगा, रामबाबू का नाम बताएगा, दादा भूसे का नाम बताएगा, आपको पूरा अधिकार है, काम अगर क्वालिटी में नहीं है तो काम आप बंद कर डालो। कॉर्पोरेटर साहब मैं आपको भी बोल देता हूँ, ये लोकशाही में सबका अधिकार है, कॉर्पोरेटर का फंड होगा, आमदार का फंड होगा या सरकार का फंड होगा, वो कुछ अपने खिसे में से नहीं देता, आमदार भी अपने खिसे में से नहीं देता, वो आवाम का पैसा रहता है और सरकार का पैसा वही रहता है, तो आवाम का अधिकार है, बराबर। तो मैं आप सबको विनती करूँगा, ये बात सही है, गटर ऊपर बन रही, पानी नीचे है तो क्या मजा है, आणि मी अधिकाऱ्यांना स्पष्टतेने सांगतो, जर अशी कामं झाली ज्याला जो कोण अधिकारी जबाबदार असेल पुढच्या काळात तो त्या जागेवर दिसणार नाही, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल। सरकारचा पैसा म्हणजे जनतेचा पैसा आहे, थोडंफार इकडे तिकडे काही अडचणी असतील तर आपण समजू शकतो, कुछ अगर तकलीफ होगी तो लोकल लोगों को बोलो, वो तकलीफें दूर करने के लिए मदद सब आवाम मदद करेगी। अभी शौचालय के बारे में किसी ने बताया, शौचालय बना देंगे जगह जब वो उसको तो पहले हल करना चाहिए, लेकिन जगह चाहिए ना, जगह आप मुहैया करा दो, पूरे शौचालय के लिए निजी मंजूर किया जाए। तो अभी ये जो भी काम होने वाला है मेरी आप सबसे गुजारिश है, वो काम के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अगर आपका नहीं सुना जाता है, आपकी तकरार करने के बाद भी आपका सुना नहीं गया, लोकल कॉर्पोरेटर के पास बताओ, उन्होंने भी आपका नहीं सुना तो डायरेक्ट आप मुझे फोन करा सकते हैं। दादा वो इधर ऐसा काम मंजूर हुआ, काम चल रहा है लेकिन काम बराबर नहीं हो रहा है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, ये बहुत हो गया, गटर 6 महीने के बाद गटर दिखती नहीं, हाँ लेकिन जब मैं सामने वाले के तरफ एक उंगली दिखाता हूँ तो 3 उंगली मेरे तरफ की है, और अभी जो रास्ते से आया गटर के ऊपर कितने घर बन गए, गटर के ऊपर कितनी टपरी बन गई, तो ये किसका जिम्मेदारी है, तो गटर कैसे क्या साफ होगी, पहले का निकासी कैसे क्या होगा,
तो मेरा आपसे विनती है, देखो मैं समझता हूँ भगवान और ऊपर वाले की दुआ से, मालेगांव की तमाम जनता के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री महोदय उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद से अपने मालेगांव को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। ये मंत्री पद हमारी आवाम की तकलीफें कम कैसे कर सकते हैं, उसके मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, इसके लिए इस पद का हम सबने मिलकर वापस करना चाहिए। ये बात सही है कि मालेगांव के ऊपर मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है, तो दादा मुझसे तो ग्रेटर के काम के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, तो आप ही दादा मुझसे बनकर उधर खड़े रह सकते। ये मैं पूरे मालेगांव के लिए बोल रहा हूँ, तो मेरा आपको विनती है और अभी जो भी निवेदन दिए गए हैं मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो मैं लिस्ट बताया अभी भगवान ऊपर वाले से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तमाम आवाम के आशीर्वाद से जो अवगा मिला है, मालेगांव पूरे शहर के लिए 15 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है पूरे मालेगांव के लिए, तो उस 15 करोड़ में 1 करोड़ रुपया रमजानपुरा के लिए मंजूर करने का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपया। आप जो भी काम आपने जैसे बताया कि पंच कमेटी करना चाहिए, मैं स्वागत करता हूँ, पंच कमेटी बना दो, लेकिन अगर आपको पता है क्या जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो होता है वो खुला रहता है, दादा उसे भी अगर चाहता होगा क्या रामबाब को ये काम देना है तो नहीं दे सकता, क्योंकि ऑनलाइन टेंडर रहता है कि नहीं। और मालेगांव में कितने कलाकार हैं आपको भी पता है, वो लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे प्राधान्य से अपना रमजान पूरे के काम को प्राधान्य देंगे, और जो भी निवेदन आज इधर आए हैं वो निवेदन को आगामी कम से मीटिंग भेजा कराया जाएगा, और मैं समझता हूँ ये 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि उसका पूरा प्रक्रिया जमीदा वगैरह टेंडर टेंडर को उसका टाइम टाइम लगता है, ये 2-3 महीने के बाद ये काम शुरू हो जाएंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।